हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। फ्रेंड्स, हम अपनी लोअर लिम मसल्स एनाटॉमी सीरीज में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स पढ़ रहे हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमने बैक ऑफ द थाई की मसल्स आपके कल जो हमने पढ़ी थी वो हैमस्ट्रिंग मसल्स वो कल कंप्लीट हो गई। बैक ऑफ द थाई की मसल्स हम पढ़ चुके हैं। आज जिसको हम मसल्स पढ़ेंगे वो हमारा स्टार्ट हो रहा है वहां से ग्लूटियल रीजन। तो ग्लूटियल रीजन में जो मेन तीन ग्लूटियल नाम की मसल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, तो आज जिस मसल्स को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसका ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस यानी बटक्स की मसल्स है। ग्लूटियस मतलब बटक्स और मैक्सिमस मतलब लैटिन लैंग्वेज में उसे ग्रेटेस्ट या लार्ज मसल्स के लिए कहा जाता है। तो बटक्स की बड़ी मसल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ग्लूटियस मैक्सिमस क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस एक मोस्ट सुपरफिशियल मसल्स है और लार्जेस्ट मसल्स है। किस में? बाकी की जो दूसरी ग्लूटियस हैं, कौन सी हैं? ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस मिनिमस, क्योंकि मैक्सिमस तो हम पढ़ ही रहे। ग्लूटियस मैक्सिमस का शेप क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल शेप में है। जो हमारे देखा बटक्स की प्रोमिनेंसी जो आती है वो किस वजह से आती है? क्योंकि इसकी जो थिकनेस है, इसका जो फ्लेशी मास है, वो इसको एक क्वाड्रिलेटरल शेप ला के देता है, जिसकी वजह से वो बटक्स की प्रोमिनेंसी दिखती है। ठीक है, ये एक मेन एक्सटेंशन मसल है आपके हिप की। ठीक, और एक जो सबसे खास बात देखिए, ग्लूटियस मैक्सिमस का जो लार्ज साइज है ना, वो क्या, इसका क्या मेन काम, साइज का हमें फायदा क्या मिलता है? देखिए वो फायदा क्या है, जो हम लोग इरेक्ट ट्रंक जो हमारी है, हम जो ट्रंक ऐसे सीधे कर पाते हैं, वो किस वजह से कर पाते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस की सपोर्ट से करते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस इसका जो बड़ा साइज है वो इतना फोर्स जनरेट करता है कि हम अपने ट्रंक को इरेक्ट पोजीशन में हम लोग उसको मेंटेन कर पाते हैं। वो किस वजह से होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस की वजह से होता है। तो चलिए जानते हैं इसका ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई। तो ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन कहां से होता है? देखिए इसका ओरिजिन बहुत सारी जगह से होता है। ठीक है, कई जगह से ये ओरिजिनेट होती है। ये आपके लेटरल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम और कॉक्सिक्स से होगी, ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम से होगी, थोरोकोलंबर फेशिया से होगी और सार्कोट्यूबुलस लिगामेंट से ओरिजिनेट होगी। कितनी जगह से ओरिजिनेट हो गई? लैटरल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम से, थोरोकोलंबर फेशिया से और सार्कोट्यूबुलस लिगामेंट से ये ओरिजिनेट हो रही है। कितनी जगह से? सेवरल पॉइंट हैं इसके ओरिजिन के। ठीक है, वहां से ओरिजिनेट होती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंसर्शन के बारे में। तो इंसर्ट कहां होगी? ये इंसर्ट होती है आपके ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर एंड इलियोटिबियल ट्रैक्ट। कहां पे? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर और इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे आके इंसर्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके एक्शन के बारे में। तो देखिए कहां पे, ग्लूट्स की मसल है, हिप की मसल है, तो एक्शन भी हिप पे करेगी। तो ये हिप पे क्या करेगी? ये थाई का एक्सटेंशन करेगी और एक्सटर्नल रोटेशन करेगी। ठीक है, थाई का एबडक्शन करती है ये इसका सुपीरियर पार्ट और थाई का एडक्शन करता है इसका इंफीरियर पार्ट। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सुपीरियर पार्ट क्या करेगा? थाई का एबडक्शन काम करेगा और थाई का एडक्शन क्या करेगा? इंफीरियर पार्ट करेगा। अब जान लेते हैं इसकी नर्व सप्लाई क्या है। तो इसकी नर्व सप्लाई है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व L5S1S2। यहां पे आके चेंज हो गई हमारी नर्व सप्लाई। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसकी आर्टीरियल सप्लाई की। तो इसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है? सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। क्लियर है? सारे नोट्स आपके सामने आ गए, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया था, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई सब क्लियर है। तो चलिए आप मुझे दीजिए, कल आपसे मिलता हूं एक और ग्लूट्स के मसल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।